कैसे हो? फ्री हो? ओह रिया माय बेबी, मैं जस्ट अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे बताओ। वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों किया? मुझे ये पूछना था, तुम्हारी शेरवानी के साथ मोती वाला या डायमंड वाला, कौन सा अप्रोच ठीक रहेगा? अरे पापा, जो अच्छा हो तुम चूज कर लो। और वैसे भी पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारी तो बात माननी है। अच्छा बताओ, क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में ये सोच रहा था कि अगर तुम अभी यहाँ मेरे पास होती तो दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह और भी कितनी रोमांटिक हो जाती। क्या तुम पेरिस में हो? रॉली, अच्छा आईफिल टावर देखा क्या तुमने? आईफिल टावर देखा है मतलब? अरे भाई मैं तो वहीं खड़ा हूँ। व्हाट? वाओ, अब एक काम करो, जल्दी से अपना पिक्चर लेके मुझे भेजो। ओके ठीक है, तुम फोन रखो, मैं पिक्चर क्लिक करता हूँ। ओके बाय, लव यू टू, बाय। फ्रेम चेंज करो और न्यूयॉर्क वाला लगा, मैं चेंज करके आता हूँ। पास। नमस्कार, सावधान इंडिया नकाब के एक किस्सा पांच हिस्सा के इस नए किस्से में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपराध आजकल बस बढ़ता ही जा रहा है और ये गहरी चिंता का विषय है, और वो इसलिए कि अपराध और अपराधी दोनों रोज नया रूप अपना लेते हैं। कैसे एक लड़का अपनी भोली भाली मंगेतर को धोखा दे रहा है, उससे झूठ कह रहा है, उसे आने वाली उम्मीद भरी जिंदगी के सपने दिखा रहा है, जिस रिश्ते को वो जन्म जन्मांतर का बंधन समझ रही है, असल में वो आने वाले अपराध की दस्तक है। आखिर अविनाश शादी की आड़ में करना क्या चाहता था? क्या इरादे मंसूबे थे उसके? क्या उसका सच कभी सबके सामने आ पाएगा? आइए देखिए। शगुन, जीजू, यू गुड? वेलकम बेटा, वेलकम। नमस्ते बाबा जी, नमस्ते मम्मी। जुग जुग जो बेटा, ये लो टीका लगा। और बेटा सफर कैसा रहा? पापा सफर बहुत अच्छा रहा, और वैसे भी अब तो लंबे सफर करने की कुछ आदत सी हो गई। और साली साहिबा आप कैसी? I'm fine, thank you. And I'm so excited कि आप finally आ गए। हमारी दीदी तो आपकी याद में सूखे कांटा हो गई है। हाँ, really, but well, देख कैसे लगता तो नहीं। चलें अब। हाँ हाँ चलो। अब तो लाइसेंस मिल गया है खुल के बातें करने का, अब तो खुल के बातें कर लो। तो रिया तुम्हारी शॉपिंग हो गई सब? हाँ सब हो। हाँ पर मेरी सैंडल शॉपिंग बाकी है। हाँ ये देखो। वैसे पापा आपकी बड़ी बेटी तो ऑलमोस्ट सेटल हो चुकी है, तो क्यों नहीं आप शगुन के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देख के उसके हाथ पीले करा दे? बेटा ये काम अब तुम्हें करना है, बस शगुन की पसंद पूछ लो। बोलो शगुन। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लड़का आपकी कार्बन कॉपी हो तो। है तो बताओ, मैं तो उसी मंडप में बैठ जाऊंगी आप दोनों के साथ शादी करने के लिए। बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम भी।
बेटा अब तुम हमारे हो गए, मुबारक हो। बेटा ये खास हमारी ओर से। पापा इसकी क्या जरूरत है? बेटा बहुत प्यार से बनवाया है तुम्हारे लिए। बहन जी ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? आप बैठिए ना। आप बैठो। माँ आइए, हम अभी आ। ये लो, ये दोनों पैकेट उसकी माँ को दे देना, ठीक है? और ये मैं उसके डैड को दे दूंगा। और हाँ, इनमें पेरिस वाले टैग्स लगा दिए ना? हाँ लग गए। ठीक है, चलो जल्दी। संदीप जी, हम शादी बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। माफ करना बहन जी, रोके और शगुन के चक्कर में सारा सामान ऊपर ही भूल गई। ये आपके लिए। धन्यवाद। और पापा ये आपके लिए। इतना सब क्यों? आपके लिए पेरिस में मैंने स्पेशल शॉपिंग की है। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि शादी के स्पेशल मौके पे आप सब बहुत स्पेशल फील करें, स्पेशली रिया। वाओ जीजू, कूल स्टफ। हाँ थैंक यू। अब ये बताओ पेरिस की पिक्चर्स कब दिखा रहे हो? वो बाद में दिखाता हूँ। अच्छा बाद में क्यों, अभी दिखाओ। हाँ इस फोन का डेटा सारा कॉर्पोरेट है, लेकिन लैपटॉप पे मेरे पास बैकअप है। बाद में दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा जी अब हम चलते हैं, और भी तैयारियां करते हैं। जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा। अविनाश बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं। और उससे कुछ भूल चुक हो जाए तो नजरअंदाज करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को, अपनी बीवी को मैं बहुत खुश रखूंगा। कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। मैं कितना लकी हूँ जो तुम मेरी लाइफ में है। लकी तो मैं हूँ, मुझे आप जैसा पति मिला। आप इतने कामयाब हो, अच्छे इंसान हो, और आपकी फैमिली वो भी कितनी अच्छी है। थैंक यू। बस 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 बस, बाकी की फोटोज बाद में लेना, अभी हमें देर हो रही है, हमें जाना है। जाना है? कहाँ जाना है? वो ऐसा है समझिए कि हमने बहुत साल पहले एक मन्नत मान रखी थी कि जिस दिन हमारे बेटे का ब्याह होगा हम दोनों चार धाम की यात्रा पर निकलेंगे। अब 20-25 दिन की यात्रा है तो हमने सोचा कि आज ही निकल जाते हैं, अच्छा भी रहेगा। अब मन्नत रखी है तो जाना ही। वो तो है। तो ठीक है पापा जी, मैं इन्हें एयरपोर्ट छोड़ाता हूँ, और ये तुम रेडी रहना और सामान पैक कर लेना। आइए चलिए, हम निकलते हैं, मिलते हैं। अरे बहू से बात। रिया बेटा अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। जुग जुग जियो बेटा। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा शुक्रिया। चलो बो, ये लो तुम दोनों का पर्दे, और जल्दी से खिसक लो यहाँ से, कोई देख ना पाए, समझे? पर्दे तो ठीक है साहब, लेकिन इतनी अच्छी एक्टिंग का कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा क्या? लड़की की माँ ने शगुन में गोल्ड की चेन दी थी ना, वो तुम लोग रख लो, ठीक है? और ये लो तुम्हारी ट्रेन की टिकट, जल्दी निकलो यहाँ से, मैं फोन करूंगा। चलो 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 चलो। बेटा ये ले राम जी की तस्वीर, अब हम नहीं यही तेरे साथ होंगे, साथ समंदर पार। बेटा खुश रहना और अविनाश को भी खुश रखना। अच्छा वैसे जीजू हैं कहाँ? पकड़, मैं फोन करके पूछती हूँ। यस।
रही अभी। हेलो अविनाश, अब है कहाँ, इतना टाइम हो गया, दो घंटे हो गए। दरअसल वो मम्मी पापा को जब एयरपोर्ट से ड्रॉप करके आ रहा था तो रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अच्छा, आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं पापा को भेजूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम फाइन। ये लो तुम्हारा ड्रिंक। वहाँ पे कोई लड़की है क्या, किसकी आवाज आ रही है पीछे? अरे कोई नहीं है रिया, मैं यहाँ मैकेनिक के यहाँ बैठा हूँ गैरेज में, वो टायर बना रहे हैं। टीवी चल रहा है, उसकी आवाज आ रही होगी। है ना, पापा को बोलना कि तुम्हें होटल में ड्रॉप कर देंगे क्योंकि मैं लेट हो जाऊँ, मैं वहाँ खुद पहुँच जाऊँ। ओके बाय। पापा। हाँ बेटा। वो अविनाश की गाड़ी खराब हो गई, वो गैराज में है, थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा है कि आप लोग मुझे होटल छोड़ देंगे, वो सीधा वहीं पे आ जाएंगे। हाँ जरूर बेटा, चलो। So happy. Finally, वो दिन आ गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। आपको पता है कब से इंतजार था इतने पैसे बनाने का? और ऐसे मौके बार बार आते रहेंगे ना तो मारा मार हो जाएंगे हम। अब हवा खा लेंगे मुझे। हेलो, मुझे पूरे 5 मिनट में कॉल करना। ओके 5 मिनट्स। क्या do this to me. Listen, I will be finished. Listen, I can't come right now. I'm in India for my marriage. Please, please don't do this to me. Where will I go? What will I do? Okay, listen. Hello? Hello? Listen to me. Avinash, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हुआ क्या, बताओ ना? कुछ क्या ठीक नहीं है रिया। मेरे लंदन वाले घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। जब मेरे लैंडलॉर्ड घर पे गए थे मेल चेक करने तो उन्होंने देखा कि घर पे सब कुछ बिखरा हुआ है। और तो और, मेरी सारी कीमती चीजें, मेरे सारा कैश सब गायब है। पुलिस, फॉरेंसिक टीम्स
सब वहां इंक्वायरी के लिए आए और मुझे भी बुला रहे हैं। एंड द वर्स्ट थिंग इज मेरे सारे के सारे अकाउंट सब फ्रीज कर दिया है। मुझे वहां जाना होगा और मैं आई एम जस्ट गॉन, बर्बाद हो गया मैं। अविनाश तुम टेंशन इतनी मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम कुछ कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, प्लीज प्लीज डोंट वरी। अपने नहीं पापा, मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकता, प्लीज। बेटा जो हुआ उसे तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हम हैं ना, और अब तुम हमारे दामाद नहीं हमारे बेटे हो। जो हमारा है वो तुम्हारा है बेटा, ये लो रख लो। मम्मी जी मुझे नहीं, रख लो। मम्मी जी लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है ये पैसे आपसे लेते हुए। देखो बेटा अपनों से कोई फॉर्मेलिटी नहीं। जी पापा लेकिन मैं जल्द से जल्द आपको ये पैसे लौटा दूंगा। देखो बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं। एक बात और मैं आपसे और रिया से कहना चाहता था। एक्चुअली मैं इस बार लंदन अकेला जाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरे पास वहां घर है और ना ही पैसा। जब तक ये सब अरेंज नहीं करता मैं चाहता हूं कि रिया इंडिया में रहे तो बेहतर है। और वैसे भी मैं अपनी पत्नी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ में वहां नहीं देख सकता। पापा ये ठीक कह रहे हैं, वहां के हालात ठीक हो जाएंगे तो ये खुद मुझे लेकर जाएंगे। क्यों? ऑफ कोर्स, तुम्हारा ऐसा वेलकम करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। लेकिन अभी मैं चलता हूं, टिकट्स का अरेंजमेंट करता हूं। अच्छा बेटा संभल के जाना और पहुंचते ही फोन करना। हाँ चिंता मत करना, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हाँ बाय जीजू, वी विल मिस यू, अपना ध्यान रखना। हम कार में वेट करते हैं। अरे तुम रो रही हो? कम ऑन बेबी, मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना। आई विल बी बैक सून, ओके? और हाँ ऐसे सैड फेस से नहीं, मुझे एक अच्छी सी स्माइल से सी ऑफ करो। तुम अपना ध्यान रखना और पहुंचते ही मुझे फोन करना, और खाना टाइम पे खाना प्लीज। डोंट वरी, आई लव यू एंड आई विल मिस यू। अभी तुम चलो, फ्लाइट का टाइम हो गया। ओके आरुषि माय डार्लिंग, कैसी हो तुम? बस जस्ट अभी लैंड किया और तुम्हें कॉल किया। क्या कर, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। हाँ वो जो दुबई की कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो थोड़ा डिले हो गई थी, बट नेवर माइंड, मैं तुमसे कल मिलूंगा, आज मुझे कोई जरूरी काम है। ओके मिस मी, लव यू, बाय। इंसान का लालच जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। अविनाश की पैसों की भूख कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने से पहले उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। इस प्रोग्राम में हम आपसे बार बार विनती करते हैं, आपको सावधान करते हैं कि शादी जैसे अहम फैसले के लिए ध्यान से सोचना और जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड आजकल अपराध की दुनिया में धमाल मचा रहे हैं। अगर रिया के माँ बाप ने इस शादी से पहले इस रिश्ते की जांच पड़ताल की होती, अच्छी तरह खोजबीन की होती, तो शायद अपनी बेटी की जान बचा पाती। अविनाश के इरादों में छुपा हुआ था एक घिनौना जुर्म। आखिर क्या मंसूबे थे उसके? क्या होने वाला था उसका अगला कदम? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस किस्से का अगला हिस्सा कल इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए सावधान रहिए।